प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आए हैं और उस मूवी का नाम है द ब्रैंड न्यू टेस्टामेंट, जो आई थी साल 2015 में। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता चले कि आपके मौत की तारीख क्या है तो आप क्या करोगे? अपने मनचाहे काम? तो इस फिल्म में भी ठीक ऐसा ही होता है, जिसमें लोगों को पता चल जाता है कि वो कब मरने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी एक नई दुनिया में खुलती है, जहां भगवान इंसानों जैसे होते हैं। उनके पास फीलिंग्स, इच्छाएं और भावनाएं होती हैं। वो ब्रसेल्स में एक अपार्टमेंट में रहता है, जिसे वो अपनी पत्नी और 10 साल की बेटी ईया के साथ शेयर करता है। उनका बड़ा बेटा जेसी अपनी मनमानी करता है हमेशा, और अपने तरीके से काम करना चाहता है। इसीलिए भगवान के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, और भगवान को नहीं पता है कि प्यूबर्टी के साथ क्या करें। इन्हें एकदम नॉर्मल बताया गया है, इन्हें एक मसीहा नहीं बताया गया है, इन्हें एक नॉर्मल क्रिएचर बताया गया है, जो डिजाइन करने से बोर हो चुके हैं। इंसानों को बनाने से पहले उसने शहरों और कस्बों को सिर्फ जानवरों से भर दिया है, लेकिन ऐसी दुनिया बहुत बोरिंग थी, क्योंकि जानवर इंसानों की तरह ड्रामा नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान ने अपनी स्किन से पहला इंसान बनाया और उसका नाम रखा एडम। दुनिया घूमने के बाद उसे ईव नाम की महिला मिली और उसे तुरंत उससे प्यार हो गया। पहले कपल होने के लिए प्यार करना थोड़ा मुश्किल था, पर बहुत सारे तरीके आजमाने के बाद ईव प्रेग्नेंट हो गई। उनके बच्चे सालों तक बढ़ते गए और ऐसे ही मानव जाति बनती गई। भगवान उन्हें बढ़ते और सीखते हुए देखते हैं। कुछ समय बाद ये सब बहुत बोरिंग हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, वो दुखी हो जाता है, इसलिए वो मूर्खों जैसे रूल्स बनाता है। जैसे ब्रेड का टुकड़ा हमेशा जमीन पर गिरेगा और नीचे रहेगा। जैसे किराने की दुकानों में आपके बगल की लाइन हमेशा तेज चलेगी। जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पुरानी हो जाती है, तो वो टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, गरीबी जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स पैदा कर देती है। काम के बाहर भी भगवान एक भयानक आदमी है। वो हमेशा अपनी वाइफ पर हुक्म चलाता है और उसे खुद से छोटा बताता है। वो अपनी बेटी को फिजिकली और मेंटली अब्यूज करता है। उसकी बेटी अपनी माइंड की शक्ति से चीजें हिला सकती है, बिल्कुल उसके भाई की तरह। भगवान उसे उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। वो जलता है, क्योंकि ये शक्तियाँ उसके पास नहीं है। किसी को भी उसके ऑफिस में आना अलाउ नहीं है। वो वहाँ मानव जाति के बारे में फाइलें और डेटा इकट्ठा करता है। इसके बाद एक दिन ईया देखती है कि उसके ऑफिस का दरवाजा खुला है, और अपने पापा की अनुमति के बिना वो अंदर चली जाती है। कमरे के बीच में एक कंप्यूटर है, जिसका इस्तेमाल भगवान पूरी दुनिया को काबू करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर की मदद से ईया घटनाएं देखती है जो उसके पापा ने बनाई है। वो परेशान हो गई है ये देख कर कि उसके पापा कैसे लोगों को खतरों में देख कर इंजॉय करते हैं। इसीलिए उस रात के खाने पर वो उससे सैडेस्ट बोलती है। भगवान नाराज होकर उसे बेल्टों से घंटों तक पीटते हैं, जब तक कि उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। टॉर्चर के बाद ईया घर से भागने का फैसला करती है, पर उसके पास कोई भी दरवाजा या खिड़की नहीं है जहां से वो भाग सके। इसीलिए वो अपने भाई से मदद मांगती है। जब वो अपने कमरे में एक छोटी सी मूर्ति को छूती है और वो जिंदा हो जाती है और उसे बताती है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे सबसे पहले लोगों को मोटिवेट करने को वो बोलती है और को ढूंढने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो एक वकील हो सकता है जो उसके आइडियाज और पॉलिटिक्स में मदद कर सके। वो लोगों को चुनने के लिए 6 ह्यूमन कार्ड्स ले सकती है अपने पापा के कमरे में से। फिर जैसी उसे लोगों और उनके अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए एक नया रूल लिखने को कहता है। इस तरह ईया ह्यूमैनिटी को बेहतर करने में योगदान दे सकती है, जैसे जेसी ने एक बार किया था, और उसे घर से निकालने के लिए उसने ड्रायर को हैक करके इंसानों की दुनिया से उसे जोड़ दिया था। एक लंबी बातचीत के बाद ईया अपने पापा के ऑफिस में चाबी चुराती है और ढंग से 6 ह्यूमन कार्ड ले लेती है। जाने से पहले वो उसका कंप्यूटर हैक कर लेती है और हर जिंदा इंसान को एक टेक्स्ट भेजती है, जिसमें उन्हें ठीक उसी दिन बताया जाता है जब वो मरने वाले होते हैं। वो ये सब देखना चाहती है। ये ह्यूमन वर्ल्ड में चिंता ला देता है जिन लोगों के पास कम समय होता है। शायद वो अपनी जॉब छोड़ देते हैं और वो चीजें करने लग जाते हैं जो वो जीवन में करना चाहते हैं। कुछ अपनी पसंद का खाना खाते हैं, जबकि कुछ लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं और बिल्डिंग से कूद जाते हैं। स्टार्टिंग में लोग टेक्स्ट मैसेज पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन काफी सारी मौतें टेक्स्ट मैसेज में बताई गई डेट्स पर ही हो रही थी। डरे हुए लोग अपनी डेथ को रोकने के लिए बहुत कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन उन्हें एंड में पता चलता है कि वो इसे नहीं रोक सकते हैं। वो नॉर्मल दुर्घटनाओं से भी मर सकते हैं, जैसे एक अलमारी उन पर गिर सकती है। ये लोगों को परेशानी में डाल देती है, और कई लोग आर्मी की लड़ाई छोड़कर भाग जाते हैं और अपने बचे हुए समय में वो कुछ बेहतर करना चाहते हैं, जैसा वो जीवन में करना चाहते हैं। जैसे ही ये चिंता
चलती रहती है ईयर ड्रायर में चली जाती है और एक लंबे रास्ते से रेंगती रहती है जब तक कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में ना पहुंच जाए। वो कुछ देर बारिश का मजा लेती है और डस्टबिन में बर्गर निकालकर खाती है। जब बर्गर उसे बीमार कर देता है तो वो विक्टर नाम के होमलेस आदमी से मदद मांगती है। वो ये देखकर समझती है कि वो एक अच्छा आदमी है और वो उसे नियम लिखने में उसकी मदद कर सकता है क्योंकि वो खुद लिखने में अच्छी नहीं है। स्टार्टिंग में विक्टर उसकी रिक्वेस्ट को उसका बचपना समझकर उसे मना कर देता है, लेकिन जब वो उसका कंटिन्यू फॉलो करती है तो वो मदद करने के लिए हाँ कर देता है। अब वो घर पर आते हैं, भगवान जागते हैं और पता लगाते हैं कि उन्होंने जो दुनिया बनाई है वो एक बेहतर जगह में बदल रही है। ठीक अभी तक फ्यूचर उन्हें वो काम करने से रोक रहा था जो वो चाहते हैं, लेकिन अब उनके सामने उनकी लाइफ टाइम है। वो अपने जीवन के साथ कुछ भी कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, उसे चुन सकते हैं। इससे लोगों को खुशी मिलती है जो कि भगवान की इच्छाओं के ऑपोजिट है। वो जल्दी से सेटिंग बदलने के लिए अपने कंप्यूटर पर जाता है और उसे पता चलता है कि उसे हैक कर लिया गया है। और इसके बाद ईया की स्मेल घर के चारों ओर फैलती है। उसे वो फॉलो करने के लिए ड्रायर में देखता है जहां से वो गई थी। इस समय उन्होंने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए उसकी बनाई गई दुनिया में जाने का फैसला किया, वापस पृथ्वी पर। विक्टर और ईया सबसे पहले एक आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम कार्ड में है। उसका नाम ऑरेली है। वो एक खूबसूरत महिला है जिसे काफी सारे लड़के पसंद करते हैं और ज्यादातर महिला उनसे जलती है। जिसे वो भी मिलती है, हालांकि वो हमेशा दुखी रहती है और अक्सर खुद अपनी लाइफ को बेकार बताती है। ये पता चलता है कि जब वो टीनेज में थी तो ऑरेली अपना लेफ्ट हैंड खो बैठती है। तब से वो प्रोथेटिक्स पहन रही है। और इसके बाद ईया उसे अपने जीवन के बारे में बात करने को कहती है ताकि वो नए रूल्स में लिखने के लिए उसका इंपॉर्टेंट पार्ट निकाल सके। विक्टर एक पेन और पेपर के साथ ऑरेली के जीवन के लेसन्स को नोट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो ये कहकर शुरू करती है कि उसके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट वो नहीं था कि जब उसने अपना हाथ खो दिया। ये तब था जब वो एक दिन होमलेस व्यक्ति से मिली थी। उसने उससे कहा था कि जीवन एक स्केटिंग रिंग की तरह है जहां बहुत सारे लोग गिरते हैं। ये एक सिंपल सेंटेंस था जिसे बहुत से लोग अपनी पसंद के तरीकों से बताएंगे। वो जानती है कि वो पहले गिर चुकी है और कई सालों से उठने की कोशिश कर रही है। ईया उसकी परेशानी को समझती है और उसे जल्द ही होने वाले चमत्कार का वेट करने को कहती है। रात में ऑरेली अपने हाथ से फिर से मिलने का सपना देखती है। वो अपनी डिसेबिलिटी के मामले में आती है और एंड में स्केटिंग रिंग से उठ जाती है जिसके बारे में होमलेस आदमी ने उसे बताया था। ऑरेली के बाद ईया दूसरे प्रेरित आदमी के पास गई जिसका नाम जीन है। उसके बचपन में जीन को एडवेंचर पसंद था। वो हमेशा दुनिया की खोज करना चाहता था, लेकिन जब वो हकीकत सामने आती है तो वो 9 से 5 के जॉब में फंस गया था। इसके बाद उन्होंने कॉर्पोरेट लाइफ को ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। जब उन्हें पता चला कि उनके पास जीने के लिए 12 साल बाकी है तो वो अब और काम नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो एक पार्क की बेंच पर बैठ गया और तब से वो कभी भी नहीं हिला। वो अपना दिन आसपास की चीजों को देखने और पक्षियों को खिलाने में बिताता है। इसके बाद ईया उनसे मिलने के लिए पार्क की बेंच पर जाती है और उनसे बात करती है। वो जानवरों से भी बात कर सकती है और जीने की बातों को वो बर्ड्स को बताती है, जिन बर्ड्स से वो पूछना चाहता है कि वो पार्क से दूर क्यों नहीं उड़ते हैं जबकि उसके पास दुनिया में कहीं भी जाने के लिए पंख हैं। बदले में बर्ड्स जीन से वही क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन जीन के दिमाग में क्लैरिटी लाता है और वो खुद को खोजने के लिए एक जर्नी पर निकलता है। ठीक उसी समय भगवान टनल से बाहर आते हैं और ह्यूमन वर्ल्ड में वो आते हैं। वो उस दुनिया से तुरंत परेशान हो जाता है जिसे उसने प्रोग्राम किया था। जब उसे एक औरत मिलती है वो उस पर स्प्रे करती है और उसे ये आदमी गलत लगता है। इसीलिए जैसे ही वो डस्टबिन से बर्गर खाने की कोशिश करते हैं उस पर स्ट्रीट गैंग हमला करती है। बाद में उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां उसकी इंसल्ट करने के बाद डॉक्टर से उसकी लड़ाई हो जाती है। वो इंसानों के तरीकों को जान नहीं रहा है। वो बच्चों का सैंडविच चुरा लेता है और उनकी मम्मी से वो पीटा जाता है। इसी बीच ईया मार्क नाम के तीसरे प्रेरित की तलाश करती है। वो एक सेक्स एडिक्ट है जिसकी लाइफ में एक विश है कि वो अधिक से अधिक महिलाओं के साथ बेड पर सोए। उसकी लत तब शुरू हुई थी जब उसने अपनी टीनेजर में बीच पर एक लड़की को देखा था। ये पता लगाने के बाद कि उसके पास जीने के लिए लगभग 80 दिन है, उसने बैंक से सारा पैसा निकाल लिया और उसे प्रोस्टिट्यूट पर खर्च किया। हालांकि उसे ये काम करने में भी अल्टीमेट खुशी नहीं मिल रही थी और वो कुछ भी डीप करना चाहता था या बड़ा करना चाहता था लाइफ में। ईया उसे बताती है कि उसके पास एक ब्यूटीफुल आवाज है और वो उसके साथ कुछ दुनिया में अलग कर सकता है और उसे यकीन है कि ये रास्ता उसे हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाएगा।
उसके अगले दिन मार्क को वॉइस एक्टर के रूप में जॉब मिलती है और काम पर एक महिला मिलती है, वो वही लड़की निकलती है जिसने उसे वो बीच पर देखा था। वो दोनों तुरंत ही अपने बीच की केमिस्ट्री को महसूस करते हैं और अपने स्थान पर वापस चले जाते हैं। मार्क अपनी लाइफ में पहली बार इतना गहरा रिलेशन महसूस करता है और वो हाथ पकड़कर सो जाता है। इस बीच भगवान की वाइफ अपने हस्बैंड के बिना अकेले टाइम को एंजॉय करती है। घर की साफ सफाई करते समय उसने देखा कि लास्ट खाने की तस्वीर में 3 और प्रेरित जोड़े गए हैं कहीं और। भगवान चर्च में ये सोचकर जाते हैं कि यहाँ उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन खाने की लाइन काटने पर उसे पीटा जाता है। एक आदमी उसकी मदद करता है और उसे खाना खिलाता है, लेकिन भगवान उस व्यक्ति का अपमान करके उसका मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि वो शांत आदमी अपना आपा खो देता है और उसे गाली देता है। इसी बीच इया और विक्टर फ्रोक्रेंस नाम के एक नेक्स्ट प्रेरित के पास जाते हैं उसे मिलने के लिए, ये पता लगाने के बाद कि उसके पास रहने के लिए अभी 25 साल बाकी है। वो एक हत्यारे में बदल गया है और वो सोचता है कि वो लोगों को मारकर कुछ गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि जो लोग उसके हाथों मरते हैं वो वैसे भी मरने वाले हैं। एक दिन वो मिशन पर था जब इया उसके पास जाती है और उसे एक स्पेसिफिक लेडी को टारगेट करने को कहती है। वो लेडी ऑरेली बन जाती है, इसीलिए जब गोली उसके डिसेबल हाथ को लगती है तो फ्रोकेंस को लगता है कि वो ये चमत्कार है, वो मरती नहीं है। वो खुश होकर पूरे दिन उसका पीछा करता है और उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट हो जाता है, वो प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वो खुद को मना करता है जब तक कि एक दिन वो ऑरेली को फूल खरीद कर नहीं दे देता। बहुत हिम्मत करके फ्रोकेंस ने उन्हें अपने प्यार का इजहार करते हुए फूल सौंप दिया। ऑरेली उन्हें ले लेती है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देती है। फिर इया पांचवें प्रेरित मार्टिन से मिलने जाती है। वो एक होपलेस रोमांटिक हुआ करती थी जो अब एक लव वाली शादी में फंस गई है। उसे पता चला कि उसके पति उसे 30 साल तक जिंदा रखेगा और तब से वो परेशान है। वो अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए रैंडम आदमियों से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं होता। इया उसे मिलती है और उसे सर्कस में आने को कहती है। मार्टिन उसकी बात मान लेती है और 3 दिन बाद वो सर्कस जाते हैं। वहां मार्टिन एक गोरिल्ला को देखकर आंखें बंद कर लेती है और तुरंत उससे कनेक्शन महसूस करती है, ये जानते हुए कि वो उसके लिए खुशी का एक मौका है। वो सर्कस से जानवर खरीदती है। रात में वो जुड़ते हैं और मार्टिन उसे किस करती है। इसके बाद ऑरेली फ्रेंकोइस को बुलाती है और दोनों मिलने का फैसला करते हैं। ऑरेली उसे अपना डिसेबल हाथ दिखाती है, वो उसे किस करता है। वो ये शो करता है कि वो उसके हर तरह के हिस्से से प्यार करता है। फाइनली फ्रेंकोइस हैप्पी है। उसकी अगली सुबह भगवान इया और विक्टर को एक साथ देखते हैं जो सड़क पर घूम रहे थे। वो उनका पीछा करते हैं लेकिन वो पानी में चलकर भागने में सफल हो जाते हैं। जब भगवान ऐसा करने का ट्राई करते हैं तो वो लगभग डूब जाते हैं और दोनों को वो खो देते हैं। वो चर्च के आदमियों का ग्रुप उन्हें बचाता है और उन्हें पेस्टर के पास वापस लाता है, लेकिन वो भी उसकी केयर नहीं करना चाहता। उसके बाद इया को वो अपना अंतिम प्रेरित विली नाम का एक लड़का मिलता है जो एक इंटरनल बीमारी से मरने वाला है। उसकी अपनी लाइफ में एक लास्ट विश है कि वो एक लड़की के रूप में तैयार होने की है और उसकी मम्मी पापा उसे ऐसा करने से मना करते हैं। इया उससे दोस्ती करती है, गिफ्ट में उसे शेमिंग फिश देती है। मरने के बाद विली फिश को समुद्र में भेजना चाहता है। मंडे को वो समुद्र पर जाने के लिए अपनी मम्मी पापा का सारा फर्नीचर बेच देता है और वहां जाता है जहां वो जाना चाहता है। ट्यूसडे को फ्रेंकोइस ऑरेली को बचाता है और वो उससे प्यार करता है और अपना बचा हुआ जीवन उसके साथ बिताना चाहता है। वेनेसडे वो दिन है जब मार्टिन का हस्बैंड उसे गोरिल्ला के साथ बेड पर पाता है। वो अपने पति को घर से बाहर निकाल देती है और अपनी रिलेशनशिप जारी रखती है। फिर थर्सडे आता है और पहली बार मार्क अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और फ्राइडे को जीन बर्ड्स को फॉलो करता है और आर्कटिक पहुंच जाता है। वहां बर्ड उसे एक महिला का सिग्नल देते हैं जो उसकी सोलमेट बनती है। और हफ्ते के आखिरी दिन भगवान को उज़्बेकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है इलीगल हरकतों की वजह से। उसी समय विली और बाकी लोग समुद्र के तट पर आते हैं जहां वो मछलियों को आजाद करता है। वो मरने से कुछ ही मिनट दूर है, इसीलिए ग्रुप बीच पर ही रुकने का फैसला करता है। इसी बीच भगवान की पत्नी ऑफिस में जाती है ऑफिस को साफ करने के लिए। वो कंप्यूटर के प्लग्स निकाल देती है जो पूरी दुनिया चला रहे होते हैं। भगवान जिस एरोप्लेन में है वो बीच की ओर उतरने लगता है, सभी को जान से मारने की धमकी देता है। पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि इससे बचने के लिए वो ठीक समय पर कंप्यूटर को फिर से प्लग करती है। वो आगे दुनिया को अपनी तरह से चेंज करती है। वो इंसान को अमर जिंदगी का गिफ्ट देती है। आसमान फूलों से भर जाता है। लोग पानी के अंदर अपनी पेट फिशेस के साथ घूम रहे होते हैं। ग्रेविटी का रूल खत्म हो जाता है और दुनिया हेवन में बदल जाती है जहां सभी सपने पूरे होते हैं और जहां सब कुछ पॉसिबल है। मार्टिन का गोरिल्ला के साथ ह्यूमन का बच्चा होता है। विक्टर नया रूल पब्लिश करता है और फेमस ऑथर बन जाता है। फ्रेंकोइस ऑरेली के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होता है और एंड में इया और विली एक दूसरे किस करते हैं।
एकमात्र करैक्टर जो दुखी है वो भगवान है। वो घर लौटने के लिए अपने बाकी दिनों में वो हर ड्रायर में देखता रहता है और अंत में एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन का जो मजा है वो यही है कि हमें अगले पल के बारे में पता ना हो कि क्या होने वाला है। अगर हमें सब कुछ पता होगा तो शायद हम जिंदगी का मजा नहीं ले सकते हैं। द ब्रांड न्यू टेस्टामेंट की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।